लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। इट्स अ ऑनर फॉर मी टू कम हियर इन दिस मीटिंग। आई लाइक टू वेलकम ऑल द सीनियर लीडर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन, लाइक टू वेलकम द प्रेस। द आइडिया ऑफ इंडिया is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion, because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution, we are defending the voice of the Indian people, we are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. Hamara jo alliance मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है।
इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेज्ड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया, द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया। वी लव अवर मदरलैंड, वी लव, वी आर द पेट्रियोटिक पीपुल ऑफ दिस कंट्री। वी आर फॉर यूथ, वी आर फॉर स्टूडेंट, वी आर फॉर फार्मर्स, वी आर फॉर किसान, वी आर फॉर दलित, वी आर फॉर गुड इकोनॉमी, वी आर फॉर द कंट्री, वी आर फॉर द वर्ल्ड। सो आवर चैलेंज विल बी ऑल फोकस, ऑल पब्लिसिटी, ऑल कैंपेनिंग, ऑल प्रोग्राम, इट विल बी अंडर द बैनर ऑफ इंडिया। इफ एनीबॉडी हैज अ चैलेंज, कैच अस इफ यू कैन। सेव इंडिया फ्रॉम डिजास्टर, सेव इंडिया फ्रॉम एट्रोसस टेरिबल, सेम एट्रोसस टेरिबल फ्रॉम मणिपुर, सेव द पीपुल ऑफ इंडिया। सेव इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा, हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव एक्सेप्टेड द स्लोगन्स ऑफ इंडिया, दिस नेम अलायंस, द मेन फाउंडेशन वी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट महाराष्ट्र द मीटिंग विल बी देयर, दे आर द कोर कमिटी एंड अदर द मैनिफेस्टो, द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और वॉट एवर यू से, द जॉइंट कमिटी, सब एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड दे आर ऑल्सो। सो द मीटिंग डेट खड़गेजी विल इन्फॉर्म यू लेटर ऑन। बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए, ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी,
इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं, क्योंकि आप लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है, तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं, और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूँ ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी, अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और दो मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे, तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।